माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लंबा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान बलजीत कुमार से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार कोयले को साफ करने और चमकाने में 100 मन साबुन की बर्बादी है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को समझाना अपने ज्ञान की गठरी को समाप्त करने के समान है और मूर्ख व्यक्ति अपने आप को परम ज्ञानी समझता है। सच्चा व्यक्ति वही है जो सेवा, समर्पण और तपस्या में अपने आप को पका चुका हो। तो वहीं नवजीत भारद्वाज ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 18 फरवरी दिन शनिवार को मंदिर परिसर में काल सर्प योग का रुद्राभिषेक किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर श्रीकंठ जज हैरी शंकर शर्मा, विक्रम भसीन, संजीव सोंधी, रविंद्र बांसल, प्रिंस कौंडल, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, गौरव कोहली, अमरेंद्र कुमार शर्मा, राजेंद्र कतियाल, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव सावरिया, यज्ञदत्त, रॉकी पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, संजीव शर्मा, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह साबी, अभिलक्ष्य चुग, लक्की बाबा खन्ना, सुनील जग्गी, प्रिंस प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मूर्ख व्यक्ति को समझाना, अपनी ज्ञान की गठरी को समाप्त करना है। बेवकूफ बंदे नूं कोई चीज समझानी, समझ लो कि तुसीं अपना जिहड़ी कमाई कीती है या तुहाडे ते कोई प्रभु की कृपा हुई है उन्हूं खत्म करना है, बेवकूफ बंदे दे नाल फस जाओ या उन्हूं समझाण लग। जिदा एक कोले का पीस ले लीए तो भावे 100 किलो साबण ले लीए उन्हें धोई जाओ उन्हें चिट्टा होना ही नहीं, उन्हें काले का काला ही रहना। ऐसे ही किसी बेवकूफ मूर्ख व्यक्ति को समझाना अपने ज्ञान की गठरी को समाप्त करने के समान है, क्योंकि बेवकूफ बंदे ने देखा कख भी नहीं होंदा ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਥੋਥਾ ਜਨਾ ਬਾਜੇ जिस भी मनोकामना के लिए हमने हवन यज्ञ किया, हम सभी मनोकामना को पूर्ण करना है। Yeah.